जैसा जनता का आरोप है कि इस भिखारी ने जनता का पैसा लूटा है। कैसे? भीख मांग के। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर बामला, इसे लूटना नहीं कला कहते हैं। तेरे कहने का मतलब कि तू कलाकार है, है? Yes. जैसे केस लड़ना कला है, खाना बनाना कला है, एक्टिंग करना कला है, वैसे ही भीख मांगना भी एक कला है। दिस इज एन आर्ट। तुम्हें इंग्लिश भी आती है? यस मी लॉर्ड, बीए इंग्लिश ऑनर्स फाइनल ईयर। लोगों से पैसे लूटने वाला जीता जागता सबूत आपके सामने खड़ा है साहब, और ये भिखारी होते हुए बीए ऑनर्स इंग्लिश में कर रहा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जुर्म साबित होने से पहले ही ये मुझे लुटेरा कह रहे हैं। आई कैन सू हिम। क्या कह रहा है तू? हैं, बामला नाम है मेरा, सुसुरी सुसुरी कर दूंगा तेरी। ऑर्डर ऑर्डर। सॉरी सर। दिन का कितना कमा लेते हो? एक शिफ्ट का या दो शिफ्ट का? कितने घंटे की शिफ्ट करते हो? 6 घंटे की मिलॉर्ड, 8 से 2 और 3 से 9। 2 से 3 के बीच क्या करते हो? लंच टाइम होता है जैसा। जैसा आपके और मेरी तरह सूखी रोटी नहीं खाता, मुर्गे पारता मुर्गे। ऑर्डर ऑर्डर। एक शिफ्ट में कितना कमा लेते हो? 3600 रुपए। मतलब दिन में 7200? यस मिलॉर्ड। इतना कैसे कमा लेते हो? इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स जैसा। 6 घंटे में 180 बार रेड लाइट होती है, और हर रेड लाइट में हम 20 रुपए कमा लेते हैं, यानी कि 180 × 20 = 3600 रुपीज। और अगर हमने 2 शिफ्ट लगाई तो 3600 × 2 = 7200 रुपीज। मतलब 1 महीने में 216000 रुपए। बड़ी कंपनी में काम करने वाला बड़े औहदों पे बैठा हुआ बंदा भी इतना पैकेज नहीं ले रहा जितना ये रोड पे भीख मांग के कमा रहा है। जज साहब, आप ही फैसला कीजिए, फैसले की घड़ी आ चुकी है, फैसला सुनाइए ना जज साहब, फैसला सुनाइए। तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बावला भिखारी ने जनता का पैसा लूटा है। बट वाई? क्यों जज साहब? क्योंकि करुणा भाव से दिए गए पैसे का इस्तेमाल तुमने अपनी भोग विलासिता के लिए किया है, जो एक जुर्म है। इसलिए ये अदालत तुम्हें 1 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने से दंडित करती है। सही कहा जज साहब आपने, करुणा भाव से मांगा गया पैसा भोग विलास में इस्तेमाल हो तो ये पाप है, जुर्म है। लेकिन मैंने जो लोगों से पैसा मांगा वो करुणा भाव से नहीं मांगा था जज साहब, कोरोना भाव से मांगा था। सब जानते हैं कि कोरोना के बाद कितने लोगों की नौकरी गई, कितने लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ जज साहब, उनमें से मैं भी एक था। किराए का घर, 2 बच्चे, बीवी, सबकी जिम्मेदारी सर पर थी। ऐसे में मेरी भी नौकरी चली गई जज साहब। घर में खाने को कुछ नहीं था, किराया देने को पैसे नहीं थे। एक दिन मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया जज साहब, क्या करता। दोस्तों रिश्तेदारों से मदद मांगी, सब ने हाथ खड़े कर दिए, उनकी भी गलती कहाँ थी, सबका हाल तो एक ही जैसा था। हार के सोचा सड़क पर आ ही गया हूँ तो अब भीख मांगूंगा, लेकिन अपने घर वालों को भूखा नहीं सोने दूंगा जज साहब। आप जानते हैं भीख मांगने के लिए जब हाथ फैलाता है आदमी तो वह अंदर से नंगा हो जाता है जज साहब। हाँ, मैंने ये कोट पैंट पहना है, लेकिन ये भीख का है साहब, मुझे दिया था किसी ने ये कोट पैंट। और आप तो जानते हैं ना, फटे कपड़े पहने आदमी को तो कोई पूछता तक नहीं है। हाँ मैं भिखारी हूँ, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है जज साहब, ये काम करके मैं अपने बच्चों का जीवन चला रहा हूँ, उनकी पढ़ाई देख रहा हूँ। और अगर ये काम नहीं है ना, तो आप कानून के रक्षक हैं, आप तय कीजिए कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, आप दिलाइए मुझे रोजगार, ऐसी कोई नीति बनाइए। हम भी चाहते हैं काम करना, लेकिन जब तक वो काम नहीं मिलता हम ये काम करेंगे, परिवार को भूखा तो नहीं सोने देंगे ना जज साहब। इधर आओ। अरे सर, 1 मिनट। सर शट अप। भगवान
आपको बोला करेगा जज साहब। तुम घर जाओ, आप जज नहीं हैं, आप न्याय के देवता हैं जज साहब। अरे पैसे को दे दिया उसे। शट अप, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गरीब मजदूर भिखारी पे इल्जाम लगाते हो? अरे सर उसने क्या कहा था यहाँ खड़े होकर, याद है आपको? क्या कहा था? ये हाथ फैलाकर एक मासूम चेहरा लेकर ऐसा रोता है कि जनता को इसमें दया आ जाती है, उसके खाली हाथ पर जनता पैसे रखकर चले जाती है। इसे लूटना नहीं कला कहते हैं। आपका बेवकूफ बना गया, पैसे लेके चला गया, भाग गया। अरे मेरा मुंह क्या देख रहा, पकड़ो उसको। अरे पकड़ो उसको।